जेट के ऊपर पब्लिक का क्या रिएक्शन आने वाला है इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आज तक आप लोगों ने एनालिसिस के सिर्फ दो ही टाइप सुने हैं पहला सुना है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा सुना है टेक्निकल एनालिसिस के और इसके अलावा जो भी एनालिसिस के टाइप होते हैं वो बहुत तो आपको मालूम नहीं रहते लेकिन ये जो एक नया कंसेप्ट है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को गौर से देखिएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निप्टी का एनालिसिस अभी आपके सामने मैंने निपटी का चार्ट लगाया हुआ है ये वीकली चार्ट का एनालिसिस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इंट्राडे का और डेली चार्ट का एनालिसिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा वीकली चार्ट के ऊपर साइकोलॉजी को कैसे रीड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है या रेंज बाउंड रह सकता है ये कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है आपको एक प्राइज एक्शन से रीड कर सकते हो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के, के साथ रीड कर सकते हो और जब आप इसको फंडामेंटल ट्रिगर के साथ कंबाइन करोगे तो ये आपका एक कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में बायर क्या सोच रहे है? सेलर क्या सोच रहे हैं मार्केट में बायर कहाँ पे नया एंट्री ले सकते हैं सेलर कहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं तो ये सभी बातों को पहले हम लोग प्राइस एक्शन में देखेंगे फिर उसके बाद ओपन इंटरेस्ट में उसका कन्फर्मेशन ले लेंगे और ये फिर दोनों के कन्फर्मेशन के हिसाब से जो ट्रेड मिलेगा उसमें हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक हिस्टोरिक हाई लगाया हुआ था इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाया और एग्जैक्टली exactly उसी लो से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया ये रिवर्सल के बाद यहां पर पाँच वीक जो था वो बजट के पहले मार्केट जो था वो मार्केट एक अपने रेंज बाउंड फेज में चला गया था यहाँ पे हम लोगों को कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था 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 ना ना ही ही बायर में में सेलर तो ये कंप्लीटली स्टेट ऑफ माइंड का जो यहां पे मार्केट बन चुका था यह कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड के मार्केट का अभी ब्रेकआउट हम लोगों को डाउन साइड की तरफ मिल चुका है अगर हम लोग प्राइज एक्शन को रीड करते हैं तो प्राइज एक्शन में सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ रहा है फिर इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रहा है और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न कहाँ पे डेवलप हो रहा है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने वन साइडेड डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया और फिर उसके बाद एक टाइट कंसोलिडेशन का फेज पाँच हफ्तों तक मार्केट ने दिखाया और फिर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है तो ये अपने लिए एक फ्लैग होगा ये अपने लिए एक पोल होगा और इसका यहाँ पर हम लोगों को ब्रेक मिल चुका है मार्केट जो था वो क्रूशियल लेवल के नीचे भी क्लोज हो चुका है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था सत्रह का मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक करके सत्रह के करीब का क्लोजिंग वीकली चार्ट के ऊपर दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे की साइड में भी हम लोग स्पेस मार्केट का देखते हैं मतलब मान लो कि मार्केट ने कौन सा भी सपोर्ट के लेवल को ब्रेक किया तो यहां पे इमिजिएट सपोर्ट के लेवल नहीं होने चाहिए अगर सपोर्ट के लेवल होते हैं तो आपको यहां पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता अगर मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट वाला सपोर्ट लेवल अगर लंबा रहता है तो हम लोगों को यहां पर कम रिस्क के साथ ज्यादा रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहता है अगर आप यहां पर देखोगे तो नीचे की साइड में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बायर का इंटरेस्ट कहां पर डेवलप हो चुका था तो ये

ब्रेक करता है और इसके ऊपर का हम लोग अगर स्टॉप लॉस निकालते हैं तो नीचे की साइड में हमारे लिए जो टारगेट लेवल निकल के आ रहा है वो का टारगेट लेवल ये वाला निकल के आ रहा है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर जो हम लोगों को ट्रेड मिल रहा है एक अच्छा रिस्क हम लोगों को मिल सकता है जो लोगों को एग्रेसिवली ट्रेड करना है वो क्लोजिंग प्राइस के करीब का भी ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं क्लोजिंग प्राइस के करीब का ट्रेड अगर हम लोग इनिशिएट करते हैं तो हमारा रिस्क कितना होगा और नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट लेवल निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट वन एस टू टू का टारगेट लेवल हम लोगों को निकल के आ रहा है। अभी यहां पर क्या हो चुका है अगर आप देखोगे तो पिछले पांच हफ्तों से क्या हो रहा था मार्केट एक फेज में बना हुआ था यह कंसोलिडेशन की फेज में जो भी वीक हैंड रहेंगे वो वीक हैंड ने कुछ ना कुछ पोजिशन बनाए रहेंगे इसमें से जो लोगों ने बाय के पोजिशन बनाए रहेंगे वहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो गए प्लस यहाँ पे कुछ शॉर्ट के पोजीशन भी इनिशिएट हुए हैं अभी फ्रेश शॉर्ट के पोजीशन इनिशिएट हुए हैं ये स्टेटमेंट मैं कौन से लेवल के ऊपर कर रहा हूँ तो इसका बेसिस है ओपन इंटरेस्ट का डेटा जब भी हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ता है कि कॉल की साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है जब भी ये लेवल ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर कॉल की साइड में अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट का चेंज देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शॉर्ट के पोजिशन कितने बने हुए हैं जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन चेन के पोजिशन मतलब मतलब बन चुके हैं तो हम लोग हैं ये है, अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोगों को पुट के साइड में देखना पड़ेगा हम लोग राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को सोचते है तो राइटर पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरीके से हम लोगों को देखना पड़ेगा अभी जनरली आप लोग क्या करते हो क्लोजिंग के बाद यहाँ पर ये यह डेटा देखने की कोशिश कोशिश करते हो लेकिन आपको इंट्राडे में भी ये डेटा देखना पड़ेगा तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे इंट्राडे में जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है तो लेवल ब्रेकिंग के बाद इमीजिएटली कितना डेटा यहाँ पर एड होता है ये हम लोगों को गौर करना पड़ेगा इसके लिए आपको कम से कम छः महीने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको आपको अगर सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है ट्रेडिंग फॉर लिविंग करना है तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आज शादी कर ली तो इमीजिएट बच्चा नहीं होता आपको कम से कम छः नौ महीने तक का वेट करना पड़ता है फिर उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देता है उसी तरीके से ट्रेडिंग में अगर आपने स्टार्ट आज कर लिया है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद ही ये स्किल आप में डेवलप हो जाएगा जब भी ये स्किल आप में डेवलप हो जाएगा तो आपका सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अब यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड कौन सा निकल के आ रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है

17,600 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं यहाँ पर, पर 17,600 के पुट को बाय करने के बाद नीचे की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो टारगेट यहाँ पे जब बाइंग का रैली स्टार्ट हुआ था तो ये लेवल हमारे लिए यहाँ पे टारगेट लेवल निकल के आ रहा है तो इस टारगेट लेवल हमें वीकली बेसिस के ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हो तो नीचे की साइड में हमारा टारगेट बहुत ही लंबा निकल के आ रहा है इतना टाइम अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप के साथ काम करना पड़ेगा या फिर आप बड़े क्वांटिटी के साथ कर सकते हो तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का मेथड आपको यूज कर सकते

अभी नेक्स्ट कैच क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं अभी नेक्स्ट कैच समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा फंडामेंटल ट्रिगर के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा फंडामेंटल बड़ा ट्रिगर आ रहा है बजट का ये जो बजट आने वाला है ये बजट एक फरवरी के दिन आने वाला है उसके लिए हमें दो तीन दिन का टाइम यहाँ पर अभी मिल चुका है तो ये बजट के पहले मार्केट जनरली यहाँ पर रेंज बाउंड अगर हो जाता है और रेंज बाउंड के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को बजट के दिन या फिर उसके नेक्स्ट इमिजिएट एक्सपायरी में मिल जाएगा क्यों मिल जाएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं मैंने आपको पुराने वाले कंसेप्ट में जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको एक मैंने बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप बताया हुआ था कि जब भी मार्केट में कोई डाउन साइड का या अपसाइड का ब्रेकआउट मिलता है मान लो कि यहाँ पर आपको डाउन साइड का ब्रेकआउट मिल गया और डाउन साइड के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कोई अगर इन कैंडल बन जाता है और इन कैंडल के बाद यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो बहुत ही बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम मिलता है अभी फ्राइडे के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा मजा नहीं आता मंडे के दिन थोड़ा कम मजा आता है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे च्यूजडे के दिन वेंसडे के दिन और थर्सडे के दिन बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाता है क्योंकि यहां पे अच्छा खासा टाइम डीके हुआ रहता है ऑप्शन के प्रीमियम कम हुए रहते हैं तो उसी तरीके से मार्केट अगर यहां पे एक दो दिन टाइम स्पेंड करता है और एक दो दिन टाइम स्पेंड करने के बाद अगर पे इस लो को ब्रेक करता है बजट बजट वाले वाले दिन दिन एक्सपायरी के तो हम लोगों को जो वीकली एक्सपायरी है उसी के दिन तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उस अपॉर्चुनिटी में हम लोगों को प्रीमियम में है वो डबल ट्रिपल भी देखने को मिल सकता है अगर ऐसा बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के करने की कोशिश करेंगे मैं बैंक निप्टी का एनालिसिस में आपको एक हिंट दे देता हूं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम लोगों को कहां पे मिलने वाला है। यह हम लोगों का सपोर्ट लेवल यहां पर ब्रेक हो चुका है मार्केट ने ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से 41,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है और 40,000 का जो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से निकल के आ रहा है वो हमारे लिए यहाँ पर मार्केट में सामने खड़ा है तो मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव कर सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका मैं डिटेल वीडियो आपको कल डालने वाला हूँ वहां पर आपको पता चलेगा आपको इसमें बताना है कि नेक्स्ट इमिजिएट सपोर्ट हम लोगों को कहाँ पर मिल सकता है और सेकंड पॉइंट आपको बताना है कि फोर्टी के करीब मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है ये आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से क्या लग रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो Thank you very much.